क्या आलिया के सामने आएगी अरमान और आसमा की सच्चाई? क्या आसमा बचा पाएगी अरमान की जान? कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल उड़ारिया के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। मैं हूं जानवी, वेलकम करती हूं आपका चैनल की तरफ से। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अरमान है वो जा रहा होता है अपनी कार लेके, और उसकी कार के आगे कोई बाइक वाला आके गिर जाता है। अरमान को लगता है उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो वो तुरंत हॉस्पिटल कॉल करता है और यहाँ पर आसमा फोन उठाती है। तभी पीछे से अरमान पर हो जाता है हमला, जहाँ पर पता चल जाता है आसमा को भी कि अरमान के साथ कुछ बड़ा हुआ है। इसके बाद आसमा पहुंच जाती है ऑन लोकेशन और वो जो है अरमान को कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी अरमान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और तभी जो है पीछे से आलिया आ जाती है। आलिया देखती है कि ये तो आसमा का कड़ा है और आसमा को ढूंढते ढूंढते वो वहां पहुंच जाती है जहां पर आसमा मौजूद होती है। आसमा अरमान से अपनी शिकायतें कर रही है, उसे जगाने की कोशिश कर रही है, कहती हुई दिखाई देती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है अरमान, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। और आसमा को ढूंढ ही रही होती है आलिया कि आलिया के कानों तक आसमा की आवाज चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आलिया करने क्या वाली है, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। आलिया एक बार फिर से अरमान और आसमा को अलग करने की कोशिश करने वाली है, क्योंकि अभी तक भी ये दोनों ठीक से मिल नहीं पाए हैं। अगर अरमान जो है वो बेहोश है तो आसमा तो अभी होश में है, लेकिन जब अरमान हो